हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस समय आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल मोरारी पंचाजल। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ नई जानकारी लेके आऊँगा, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ जियो के बारे में। आप दोस्तों, आपको पता है कि 2014 के बाद जब जियो ने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जब उन्होंने एंट्री की थी, तब जियो ने एक धमाकेदार शुरुआत के साथ अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया था। और जिस तरह से अभी जियो ने इंडिया के अंदर 50% जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया है, और 50% जो है मार्केट उन्होंने कैप्चर किया है इंडिया के अंदर, और बहुत ही धमाकेदार तरीके से जियो ने इस उनकी ग्रोथ को बढ़ाया है। तो अभी आपने तो आपने अपने अभी वैसे तो आपने सुना होगा कि जियो ने पिछले ही महीने में उनके कुछ चार्जेस बढ़ाए थे। जैसे कि अगर अगर आप किसी भी मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कॉल करते हो, दूसरे अदर जो नॉन जियो सिम पर अगर आप कॉल करते हो, तो आपको प्रति मिनट 6 पैसे का चार्ज देना पड़ेगा। तो इसी तरह से उसके लिए जियो ने IUC पैक्स निकाले हैं, और मैं इसमें इस वीडियो के अंदर आपको और एक झटका देने वाला हूँ, क्योंकि जिसके कारण जियो ने अभी अभी उनकी कुछ प्लान में चेंज की है, और किस तरह से जियो अपने इस नए प्लान को जियो ने अपडेट किया है उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरी तरह से इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे जो जियो का जो पॉपुलर प्लान था वो 28 डेज का 149 रुपीज़ का था, लेकिन जियो ने उसको रिप्लेस कर दिया, और जियो ने उस प्लान को 140 डेज के अंदर 149 का बना दिया। और उसके उसका जो IUC पैक होगा, मतलब जिस तरह से आप अदर नेटवर्क कॉल करते हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, या फिर BSNL हो, इस नेटवर्क में अगर आपको कॉल करना है जियो छोड़कर, तो आपके लिए आपको उसके लिए अलग से IUC पैक डलवाना पड़ेगा। उसके लिए वो 10 रुपये से लेकर वो 50 और 100 150 रुपये तक उनके IUC पैक्स है। तो दोस्तों, जियो ने एक दूसरा झटका दिया है, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर है, जो कि हर महीना 149 का रिचार्ज करते थे, और कुछ कुछ तो 159 का भी रिचार्ज करते थे। कि ठीक है, सोच बहुत सारे लोगों ने सोच लिया कि ठीक है, 159 का रिचार्ज कर देते, कितना फ़र्क पड़ने वाला, 10 रुपये का फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन जियो ने अभी अभी उनके प्लान को चेंज किया है। उनका मंथली जो प्लान है 149 का, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा है, लेकिन उनकी जो डेट की वैलिडिटी थी उसको 24 डेज कर दिया है। मतलब उसके अंदर आपको 4 दिन कम मिलेंगे। 4 दिन कम मतलब आपको 1.5 जो डेली का डाटा मिलने वाला था, वो 4 दिन आपको आगे यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। आप उसका लाभ, अगर आप आज 1 तारीख को रिचार्ज करते हो, तो आपको 24 तारीख तक ही आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आप 28 डेज तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थी दोस्तों जियो की नई एक अपडेट। दोस्तों, इस अपडेट से मैं तो थोड़ा खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है, मान लिया कि जियो ने 4G लॉन्च किया है, जियो ने अभी 50% ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने प्लान्स को हर बार चेंज करता रहे। दोस्तों, इंटरनेट इंडिया के बाहर बहुत ही सस्ता है। अगर आप यूरोप में जाओगे तो आपको फ्री में इंटरनेट मिल जाएगा, लेकिन इंडिया जो है अभी हमारा जो है डेवलपिंग कंट्री है, और इसमें जो जैसे कंपनी की ज़रूरत है, लेकिन उनकी इस तरह से हर वक्त जो प्लान वो चेंज करे, उसके कारण हम जैसे कंज्यूमर में फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये जियो की इन्फॉर्मेशन बताने वाली, नए प्लान की अपडेट बताने वाली वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, तो उसे डिसलाइक 100% कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।